फौज में कमान की तब्दीली, उम्मत-ए-मुस्लिमा के कमांडर भी रावलपिंडी पहुंच गए। जीएसक्यू में सुबकदोश आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने रिवायती छड़ी नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के हवाले की। पाक फौज की कमान बाज़ाब्ता तौर पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर हिलाल इम्तियाज मिलिट्री को। तकरीब में कई साबिक फौजी अफसरों ने शिरकत की, जिनमें एक शख्सियत सब की तवज्जो का मरकज बन गई। हासिल करने का एहसास भी हासिल। 1965 की पाक भारत जंग में पांच सितारे कुर्रत हासिल करने की वजह से। वो पुरकशिश शख्सियत कोई और नहीं बल्कि साबिक आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ थे, जो पुरवकार तकरीब में शरीक हुए। स्टडीड एट नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, ही कंप्लीटेड हिज एमफिल इन पब्लिक पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी मैनेजमेंट फ्रॉम नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। साबिक आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ ने रिटायरमेंट के बाद 39 मुल्कों के इत्तेहादी अफवाज के सरबराह के तौर पर जिम्मेदारियां संभाली थी, और वो ज्यादातर सऊदी अरब में ही होते हैं, लेकिन एक बार उन्हें फिर से पाकिस्तान में देखकर सबको सरप्राइज ही मिल गया।